ए भाई हवाई रोजी है अच्छा ठीक है, ये लग जाए तो महीना दिल करे 3 लाख का लग जाए गड्डी का, अच्छा ना लगे तो दिल करे 50,000 बचे, अपनी मेहनत। 50,000। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के हाल चाल है? ठीक हो? मैं थोड़ा भरा इमरान खान, तो तुसा वेद पाया मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मानो। उम्मीद करें ना तुसा ठीक हो सो। माजरात मेरी कल वीडियो कोई नहीं आई, मैं देख तो मेरे बुखार बड़ा आई, तो कोई बोतल शोतल ड्रिप श्रिप लवाई है, तो हूँ कोई ठीक हाँ अगे नो। तो कल उत मेरा आर्डर लग गया है पिशावर का, उत मैं निकल आया हम राती बाद, बुखार बहुत ज़्यादा हो गए, कलोका आई हस्पताल गुजारी रात, उत हूँ तो शुक्र है अल्लाह पाक का ठीक है अगे नो बेहतर हाँ। तो अज जनाब एक भाई साढ़े कमेंट्स किया पिछले दिहाड़े भाई यार ना कोई गड्डी जी है इनकी 4100 ठीक रहा है या 3500 ठीक रहा है या लंबाई है जी गड्डी है भाई वो कि ठीक है रहा रोजी दे के ठीक होंगे या नहीं होंगी। इतने बुरहान इंटरचेंज ते हैं तो गड्डी खलोती है, कुर्सियाँ लोड की ये 26 फुट 3500 मरदा लम्मा, तुम वेख रहे हो मेरे पिछ मेरी गड्डी उदे भर खलोती। तो इस उस्ताद ना अज गलबात कर सें कि इस गड्डी का कितना किराया हूँ होंगे है, गुजराले कुर्सियाँ लोड की जाए इस गड्डी का कितना किराया होंगे या क्या यदि कोई मालूमत मुकम्मल लसाएँ ये के फर्क है पिया। तो चलो आओ चलने उस्ताद नूं मिलने जी। दोस्तों सुनो उस्ताद कोल बैठे मजरत, अज थोड़ी मैं बोल नहीं पा सकता क्योंकि मेरे बुखार है पिया दूजी तीसरी दिन का, तुम मेरी शक्ल तो नज़र आता पे उसी उस्ताद कोल बैठे गड्डी देंदे नहीं को मुकम्मल मालूमत लसाएँ, तो ये हूँ कि वेंदे पैने ये पिछाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का जनाब। सर जी ना दस सोचा अपने नाजरीन अंसर अली। अंसर अली माशाल्लाह। सर जी किस जगह दे हो? गुजराला। गुजराला। सर जी हूँ तुम कि चले हो? पेशावर। पेशावर ये क्या चीज़ कुर्सियां ने लोड की? कुर्सियां लोड की ने गुजराले पेशावर जा रहे हैं। अच्छा उ कदा लोड की? ये कल राती लोड की हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करे। अगर आज बात खाली हो उसने या नहीं? जी जी शाम नु खाली हो जानी। अच्छा ये शहर खाली करनी है या बाहर कितने? बाहर ही रिंग रोड ते। रिंग रोड। अच्छा अच्छा सर जी साढ़े दोस्त हजरात पूछते हैं भाई जी 3500 मजदा है तो 16 फुट ही होता है जी, तो थोड़ा कितना? 26 फुट। 26 फुट। तो ये 26 फुट हूँ 10 फुट ना उस नो ज़्यादा है जी, ये तो के फर्क है रोज़ ये कि ज़्यादा बेस्ट रहा सी? रोज़ी बस इस तरह ही है कि वो छोटी गड्डी वो जरा वजन चुकती है ठीक है ना, असी हल्का वजन उठाने ठीक है 3-4 टन 5 टन तक। अच्छा छोटी गड्डी 10-12 टन वजन 15 टन भी पाई फिरते हैं। अच्छा असी इन्ना वजन नहीं पाते हैं, ये गड्डी लंबी इस वास्ते बनाई है हल्के फुलके वजन वास्ते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन किराया तकरीबन एक ही है साडा ठीक है, 16 फुटी का भी 26 फुटी का भी किराया एक ही है। अच्छा। लेकिन ये फर्क है वे सिर्फ वो वजन लैके जाते हैं, असी वजन नहीं लोड करते। चलो ये तो बेहतर है ना, हूँ थोड़े को एक मिसाल वजन थोड़े को 2 टन उसी। बिल्कुल हाँ जी, तो उन्हें 15 टन लैके बहना दोस्तों तो वाती उस्ताद और जितना किराए लगना ने, तो 2 टन कितने तो 15 टन कितने, टायरों की भी बचत, गड्डी भी सुखी तो ड्राइवर सुखी। बिल्कुल बिल्कुल जी इस तरह ही गल है, उन्होंने जिते 5 घंटे पहुँचना असी 2 घंटे पहुँच जाना। अच्छा ठीक है कि नहीं, असी जल्दी जरा पहुँच जाना, जल्दी गड्डी खाली करके वापस टुर जाने, उन्हें जरा आराम ना जाना होंगे क्योंकि उन्होंने को वजन होंगे। बिल्कुल असी फेरा भी जल्दी अलहमदुल्ला क्लीयर कर लीजिए जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हूँ जिमें कि दोस्तों उस्ताद गुजरा चुको गुजरा कुर्सियाँ लोड की तो पेशावर जा रहे हैं, एक मिसाल है ये एक दिन नहीं पहुँचते तो उन्हें 2 दिन नहीं पहुँचना है, इस वजह क्योंकि इन्होंने को हल्का हल्का वजन है, मेरे ना ज़्यादा स्पीड है जा रहे हैं, मैं थोड़ी जहाँ जा के मेरी इस तो वही गड्डी 1120 टायर है, इन्होंने तो टायर ही छोटे इस तरह ही है ना सर जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर जी दसो, साढ़े एक दोस्त है वो पुछता पिया भी यानी कि जो 4100 है वो तो 3500 का खर्चा है एक जितना है या कोई फर्क मुख्त? फर्क तकरीबन 1000 रुपये का फर्क है बस, डीजल का। डीजल का 1000 रुपये का फर्क है बस, बाकी एल शैल आता है जो आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें तकरीबन ये कोई लीटर ज्यादा 2 लीटर ज्यादा पेंदे उन्हें। अच्छा ठीक है कि नहीं, तो सर जी टर्बो इंटरकूलर है या सादा है या? वो सादी भी होंगे ने, टर्बो इंटरकूलर भी होंगे ने ठीक है, सादियाँ भी ने गड्डिया। अच्छा ठीक है ना, इंटरकूलर भी है। तो ये जो 3500 मजदा है ये दे जी कोई टर्बो इंटरकूलर आए? नहीं ये कोई नहीं जी नहीं, इस दे नाल दा अजकल साईं जी ने तुहाडी गड्डी माशाल्लाह बड़ी सोहणी गड्डी साफ सुथरी होण मंदिर भी बड़ा सोहणा दिल खुश होकर बैठे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा इस दे नाल दी गड्डी कितने एक दी तैयार हो? तकरीबन अजकल इस दे नाल दी गड्डी तैयार करनी तकरीबन कोई 30 तो 35 लाख दे रेंज दे विच। 30-35 लाख रुपया जी,
ते माड़ी तो माड़ी अगर कोई गड्डी अगले दिन मैं गड्डी दी बनाई आई पैदा आई 24-25 लाख रुपए दी मिल 24-25 लाख दी मिल जाती है ठीक है कि नहीं जिन्ना गुड़ पाना जो उन्ना ही मिठा होना ठीक है चंगी गड्डी रोड ते चलन वाली लैनी है 35 लाख तो घट नहीं लभदी 25 लाख की भी गड्डी लभ जाती है ठीक है ना पर लेकिन गल गड्डी गड्डी च फर्क होंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना कंडीशन के हिसाब न पैसे होंगे ने ठीक है गड्डी की कंडीशन वेखनी पैंती है गड्डी की कंडीशन की है इन्ने को पैसों की लैनी चाहिए है गड्डी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल यानी कि बंदा हूँ एक मिसाल है दोस्तों 20 लाख की जो 25 लाख की बंदा 20 लाख की गड्डी लै लवे तो वह तो काम ही कराई रखे 7-8 लाख रुपए उत्ते लाभ हो तो वह तो क्या फायदा हुआ बेहतर है कि बंदा तैयार गड्डी लै लवे गड्डी वो लैनी चाहिए है सिर्फ इंज पैसे भरो स्टार्ट करो फेरा लोड करो निकल जाओ ठीक है तैयार करवाने वास्ते दिन लग जाते हैं दिहाड़ियाँ टुटदियां ने ठीक है कि नहीं वो किसी खाते च नहीं आदि वो ही 5-7 लाख रुपया महंगी गड्डी ले लो स्टार्ट करो गड्डी लोड करो तो निकल जाओ अपनी मजदूरी करो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सर जी एक मिसाल है साढ़े जो दोस्त भैं परदेस आते ड्राइवर हजरात खास तौर पर बाकी साढ़े भाई वीडियो वेदन तो ना तो मशवरा देना चाहो अगर किसी बिरादरी 35 लाख रुपए की गड्डी लैके तो महीने के कितने पैसे कमा सकता है गड्डी लवे ना लवे अगर बंदा कोई गड्डी लेंदा मजदा 3500 कोशिश करो लैके खुद आप चलाए अच्छा ठीक है खुद आप चलाएगा उसकी मजदूरी अच्छी बनेगी बिल्कुल टेंशन तो फ्री बिल्कुल ठीक है कि नहीं हिसाब तो नहीं वैसे एंड कितने पैसे कमा सकता है कोई थोड़ी जी मालूम दे दो यानी कि एक मिसाल 1 लाख कमा सकता है 1.5 लाख 80 हज़ार 90 हज़ार ये भाई हवाई रोजी है अच्छा ठीक है ये लग जाए तो महीना दिल करे 3 लाख का लग जाए गड्डी का अच्छा ना लगे तो दिल करे 50 हज़ार बचे अपने 50 हज़ार हाँ जी 50 हज़ार बचे दिल करे 70 उत्ते लग जाए अच्छा ठीक है ना ये हवाई रोजी वाला हिसाब है ठीक है रोजी लभदी है जो रोजी लभे रोजी करो ठीक है कि नहीं मजदूरी करो असी लोग ये करने के अगर मजदूरी लभदी है तो असी घर बह जाने तो जो मजदूरी नहीं लभदी अं कहने यार ला पाक सानू को मजदूरी लभे यार जाइए घर वेले बैठे हैं ठीक है कि नहीं अक्सर लोग इस तरह ही करते हैं ठीक है जो मजदूरी लभदी है उदो उन्होंने कोई ना कोई काम याद आ जाता है ठीक है कि नहीं बड़ी सोहनी उस्ताद हरी गल कीते कि ये अपने सिर ते मुतसर होंदे यानी कि भाई जितनी गए अगर कर सकते हो तो ज्यादा ही मिल सी जो अगर घर वेले बैठ रहे तो हुण कोई ना मिल सी बिल्कुल ते अच्छा सर जी एक गल छोटी जी पूछ लवीए कभी मुहब्बत हुई ने साडे दोस्त आ के बस अक्सर आदर आंदा ड्राइवर नु पूछा करो मुहब्बत ते हुई है बिल्कुल जी ते वत के बणया ने मुहब्बत जितना कीती ओदे ने शादी हो गई चलो अल्लाह पाक खैर करे मेरी तबीयत थोड़ी खराब है चलो इस तरह ज़हन फ्रेश हो गया चलो अल्लाह और कोई पैगाम देना चाहो साढ़े जो दोस्त हजरात हैं नाज़रीन ड्राइवर हजरात साढ़े वास्ते तो इन्हें भ्राओं वास्ते दुआ ही है ठीक है कि नहीं अपना ध्यान ना मजदूरी करो भ्राओ ठीक है कि नहीं ठीक है रोड तो चलते हो ठीक है ध्यान दे नाल चलो ठीक है कि नहीं मोटर वाले ने उन्होंने नाल बदतमीजी ना करो ट्रैफिक वाले ने उन्होंने नाल ना करो ठीक है अपना ध्यान ना मजदूरी करो जाओ वापस आओ ठीक है जिथे नींद आती है मेरा वीर खिलार के सोइयो जिंदगी है जे तो रोज फेरे ने जिंदगी नहीं है तो फेरा कोई नहीं है ठीक है ये नहीं कि जिंदगी का तुम एक ही फेरा लाना वे इन्हें जो टाइम ना माल पहुँचा के इन्हे च सारा कुछ साडा बन जाना कदी भी नहीं हो सकता ठीक है ना घर वाले वखरे परेशान कोई मसला बन गल जिथे नींद आती है मेरा वीर टका के सोवो नींदर पूरी करके फिर जाओ व्यापारी रोंदा भी रवे तो ना जाओ ठीक है कि नहीं चलो अल्लाह पाक खैर करो उस्ताद नाल गपशप करने का बड़ा मजा है दिल खुश हो गया अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे तो उम्मीद करें वीडियो साड़ी तुम पसंद आई उसी तो अगर साढ़े चैनल तो नवे जरूर चैनल जरूर सबसक्राइब कर दो ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी पहुँचती रहे अगर एक आदि है मेरी वीडियो ना आए तो नाराज़ नहीं हो मेरी तबीयत बड़ी खराब है होनी मैं बड़े औखा बैठा ओके अल्लाह हाफिज़ दुआवें याद रखे